हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा सीक्वेंस, सब सीक्वेंस और उनका कन्वर्जेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉशी सीक्वेंस नई डेफिनेशन है। सो व्हाट इज कॉशी सीक्वेंस? लेट एक्स डी वी ए मेट्रिक स्पेस एंड एक्स एन वी ए सीक्वेंस इन एक्स। ओके, सो कोई भी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस कब होगा? देखिए, देन एक्स एन इज कॉल्ड कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट d of x m कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन थी, तो हल्का हल्का उसी के सिमिलर है। आपके पास यहाँ दो इंटीजर्स होने चाहिए, m और n, n नॉट से बड़े। और ये कंडीशन क्या होगी कि n नॉट से बड़े कोई भी दो इंटीजर्स के लिए जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज नेग्लिजिबल होगी, तब जाके वो कॉशी सीक्वेंस होगा। सो d of x m कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, ये बेसिक कंडीशन है, इसको याद रखना है। अब इस पे बेस्ड थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए करते हैं इसको। सो थ्योरम से पहले मैं आपको रियल एनालिसिस का बताता हूँ। रियल एनालिसिस में आपकी थ्योरम थी कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बट यहाँ उल्टा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस विल बी कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, और उसका जो कन्वर्स पार्ट होगा वो नीड नॉट बी ट्रू होगा। सो देखिए थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज ए कॉशी सीक्वेंस बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। यानी कि मैट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट को आप कॉशी बोल सकते हो, बट कॉशी को कन्वर्जेंट बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और आगे हम कॉशी को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, एक नई डेफिनेशन आएगी जिसको हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। प्रूफ, लेट एक्स टी वी ए मैट्रिक स्पेस, ओके, एंड एक्स एन वी ए सिक्वेंस इन एक्स विच कन्वर्जेंस टू एक्स नॉट। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसका नेसेसरी पार्ट कर रहे हैं। नेसेसरी पार्ट में आपको लेना है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हमने ले लिया एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस और उसकी लिमिट ले ली एक्स नॉट। लिमिट की डेफिनेशन लगा दो, इजी है, जल्दी जल्दी देख लो इसको। इक्वेशन वन हमने बना दी, लिमिट की डेफिनेशन लगा के फोर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ओके, एप्सिलॉन बाई टू कैसे लेना है ये आपको आगे पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। इक्वेशन वन बना ली, ओके, अब आपको इसको कॉशी प्रूफ करना है। तो कॉशी प्रूफ करने के लिए आपके पास दो इंटीजर्स होने चाहिए, तो एक काम करो, इक्वेशन वन में जो n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है, तो n नॉट से बड़े दो इंटीजर्स आप अज्यूम कर लो, एक तो m और एक n। सो लेट m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, और इक्वेशन वन में इन दोनों को सेटिस्फाई करा दो। तो वन को यूज करते हुए इक्वेशन टू और थ्री m और n के लिए हमने अलग अलग लिख दी। ओके, ठीक है, अब इसका हम यूज कर लेंगे अगेन। अब कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन क्या होती है, डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको लाना है। सो वही आप इसमें फाइंड कर लो। सो सिंस डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन क्या होगा, ट्राइंगल एनलिटिक लगा दो इसमें, लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट एंटर करवा दो, डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स नॉट प्लस डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स एन, और इक्वेशन टू और थ्री से एप्सिलॉन बाई टू लेस देन एप्सिलॉन आ गया। सो फाइनली डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नॉट, हेंस दिस इज ए कॉशी सीक्वेंस। और यही आपकी कॉशी सीक्वेंस की कंडीशन थी, तो हमने इसके नेसेसरी पार्ट में तो ये प्रूफ कर दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होता है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट आपका ये था कि नीड नॉट बी ट्रू, और नीड नॉट बी ट्रू के लिए आप एक काउंटर एग्जांपल यहाँ शो कर सकते हो। तो देखिए एग्जांपल कन्वर्सली पार्ट में, लेट एक्स डी वी ए मैट्रिक स्पेस वेयर, अब मैंने यहाँ पे एक्स को डिफाइन कर रखा है, ओपन इंटरवल जीरो टू वन, वन पे क्लोज है और जीरो पे ओपन है। ठीक है, और एक मैट्रिक डिफाइन कर रखी है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, सिंपल सी है, मॉड्यूलस फंक्शन है। और एक सीक्वेंस आपको अज्यूम करना है, कोई भी जनरल सीक्वेंस, तो फिलहाल ये एग्जांपल है, आप इसको एग्जांपल को याद रखना। सो एक सीक्वेंस मैंने ले लिया है सीक्वेंस ऑफ वन अपॉन एन। ठीक है, सिंपल सा आपको दिख रहा है कि वन अपॉन एन डिक्रीजिंग होता है, और इतना भी आपको पता है कि रियल एनालिसिस में वन अपॉन एन जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट भी होता है जीरो की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमें कन्वर्स प्रूफ करना है इसका। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि जो आपने सीक्वेंस अज्यूम किया है वो कॉशी तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कॉशी चेक करेंगे, देन हम शो करेंगे कि कन्वर्जेंट नहीं है। कॉशी चेक करने के लिए आपके पास दो इंटीजर्स m और n होने चाहिए, और कॉशी सीक्वेंस की कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो फर्स्ट वी विल चेक दैट एक्स एन इज कॉशी सीक्वेंस और नॉट, और इसके लिए देखिए एक एप्सिलॉन आपको चाहिएगा, तो ये कुछ इसमें टर्म्स हैं, इस टर्मिनोलॉजी को आप चाहो तो याद रख सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको समझ भी सकते हो। तो फोर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो अज्यूम एन नॉट ग्रेटर देन टू बाई एप्सिलॉन। अब देखो ये टू बाई एप्सिलॉन क्यों आया,
इसी थ्योरम की जस्ट आपने जो नेसेसरी पार्ट देखा उसी में देखो एप्सिलॉन बाई टू था, और एप्सिलॉन बाई टू है और यहाँ पे सीक्वेंस है वन अपॉन एन, तो आप सिंपल सा देख लो वन अपॉन एन यानी एन का रिवर्स किया है हमने, तो सिंपल सा एप्सिलॉन बाई टू का भी आप रिवर्स कर दो तो क्या आएगा टू अपॉन एप्सिलॉन, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो। अब देखिए नाउ लेट एम कॉमा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट, सो ये दोनों एन नॉट से बड़े हैं और एन नॉट किससे बड़ा है टू अपॉन एप्सिलॉन से, तो ये भी टू अपॉन एप्सिलॉन से दोनों ग्रेटर देन होंगे, सो एम इज ग्रेटर दैन टू अपॉन एप्सिलॉन, एन इज ग्रेटर दैन टू अपॉन एप्सिलॉन, दोनों का रिवर्स कर दो वन अपॉन एन वन अपॉन एम लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कॉची सीक्वेंस की कंडीशन डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डेफिनेशन दे रखी है मॉड्यूलस से, तो वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन, और मॉड्यूलस आपका माइनस का वो लेस देन इक्वल टू होता है एक्स एम प्लस एक्स एन के, और एक्स एम और एक्स एन की वैल्यू आप फिर से रख सकते हो बिकॉज ये हमारी सिक्वेंस की टर्म्स हैं और सिक्वेंस आपको डिफाइन कर रखा है वन अपॉन एन, तो एक्स एम की जगह आएगा वन अपॉन एम, एक्स एन की जगह वन अपॉन एन। फिर देखिए वन अपॉन एम और वन अपॉन एन दोनों एप्सिलॉन बाई टू से लेस देन है यूजिंग वन, और देखिए सो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू लेस देन एप्सिलॉन बाई टू इक्वल टू फाइनली क्या आ गया इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, सो कॉची सिक्वेंस की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, सो हैंस द सिक्वेंस वन अपॉन एन इज ए कॉची सिक्वेंस, तो कॉची तो है। अब हम चेक करेंगे ये कन्वर्जेंट नहीं है, और कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, देखिए कन्वर्जेंट होने के लिए ज़रूरी है इसकी जो लिमिट है वो उस सेट में होनी चाहिए जिसको आपने मैट्रिक स्पेस माना है। अब देखिए फिलहाल इसकी लिमिट चेक करते हैं, बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन इक्वल टू जीरो, बिकॉज वन अपॉन एन की लिमिट जीरो ही आएगी, बट यहाँ पे देखिए आपने जो मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया उसमें जीरो पे ओपन है, और ये जो लिमिट आई है वो इस पूरे के पूरे स्पेस में ही डिफाइन नहीं है, बिलोंग नहीं कर रही इसमें, जब जीरो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा तो इसकी लिमिट भी नहीं होगी, और लिमिट नहीं होगी तो ये सिक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, सो इस तरह से इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए इफ़ ए कॉची सिक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस हैज ए कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस देन द सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो लास्ट थ्योरम हमारी ये थी कि कॉची सिक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है, बट इसमें एक कंडीशन लगा दी और नई थ्योरम बन गई है कि कॉची सिक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसका एक सब सिक्वेंस हो और वो कन्वर्जेंट हो, ठीक है। तो ये हम प्रूफ करेंगे, देखिए लेट एक्स एन बी ए कॉची सिक्वेंस, ओके, और एक हम इसका कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस मान के चलेंगे, सो एंड लेट एक्स एन के इज ए सब सिक्वेंस ऑफ एक्स एन, अब ये कन्वर्जेंट है इसकी कोई ना कोई लिमिट आप अज्यूम कर लो, दैट इज अब देखिए पहले मैंने इनकी नोटेशन शो कर रखी है, सो एक्स एन तो एक सिक्वेंस है उसको डिनोट करेंगे हम एक्स फ्रॉम एन टू एक्स, ये सिक्वेंस है, और जो एन के है एन के आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है पता ही है आपको सब सिक्वेंस में, तो एन के एन से एन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिक्वेंस है, अज्यूम दैट एक्स एन के इज कन्वर्जेंट, ओके, आपको जो सब सिक्वेंस मानना है वो कन्वर्जेंट मानना है, और उसकी एक लिमिट मान लो हमने मान ली एट एक्स नॉट, इसका मतलब कन्वर्जेंट है, सो एक्स एन ए इज़ ए कॉची सिक्वेंस बाई प्रीवियस थ्योरम, बिकॉज कन्वर्जेंट तो कॉची होता है, कॉची का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है, सो ये कन्वर्जेंट सिक्वेंस हम अज्यूम करके चले थे, तो ये कॉची भी हो गया, कॉची की कंडीशन लिख दो, कॉची की कंडीशंस के लिए आपके पास दो इंटीजर होने चाहिए, और ये हम काम कर रहे हैं सिक्वेंस एक्स एन के लिए, तो एक्स एन के लिए दो इंटीजर्स आप ले लो, एक तो मैंने ले लिया एन और एक ले लिया एन के, दोनों एन नॉट से बड़े, और इक्वेशन वन हमने लिख दी सिंपल सा कॉची सिक्वेंस की कंडीशंस से कि दोनों इंटीजर्स के लिए जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, ओके। ऑल्सो सिंस एक्स एन के इज कन्वर्जेंट एट एक्स नॉट, ठीक है, हम इसको कन्वर्जेंट तो मान के ही चले हैं, और कन्वर्जेंट मान के चले हैं, और ये एक्स नॉट इसकी लिमिट है, तो लिमिट हमें पता ही है कि जब इसकी जो के टेंस टू इन्फिनिटी होगी तब लिमिट आएगी, सो दिस इम्प्लाइज के टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन के इक्वल टू एक्स नॉट। अब इक्वेशन टू को आप अप्लाई कर दो इक्वेशन वन में, यानी कि इक्वेशन वन में लिमिट लगा दो के टेंस टू इन्फिनिटी, सो अप्लाइंग के टेंस टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन वन, सो फाइनली क्या आएगा देखो डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एन के की जगह आ गया एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, और यही हमारी कंडीशन होती है नॉर्मल सा कोई भी कन्वर्जेंट सिक्वेंस की, सो दिस इम्प्लाइज एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स नॉट, ठीक है, हैंस प्रूफ यही हमें लाना था कि जो आप कन्वर्जेंट सिक्वेंस वो जो कॉची सिक्वेंस है कॉची सिक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा जब उसका कोई भी सब सिक्वेंस कन्वर्जेंट हो, सो ये थ्योरम थी, ये प्रूफ हो गई। इसके बाद एक डेफिनेशन देखिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की,
कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है कि यदि आपके किसी मैट्रिक स्पेस में सारे के सारे कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएं, तो वह आपका मैट्रिक स्पेस जो होता है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है। सो इफ़ इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए पॉइंट इन एक्स, देन द मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉल्ड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नई डेफिनेशन है। जो कन्वर्जेंट है वो तो कॉची होता है, बट कॉची कन्वर्जेंट हमेशा नहीं होता, और यदि कॉची हमेशा कन्वर्जेंट हो जाए किसी मैट्रिक स्पेस में तो उसको हम नया नाम दे देते हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब इस वेज थ्योरम में देखिए इसको, लेट एक्स टी वी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब आपको जब भी कंप्लीट वर्ड आएगा मैट्रिक स्पेस के लिए तो आपको बार बार इसकी डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। कंप्लीट का मतलब होता है कॉची सिक्वेंस भी इसमें कन्वर्जेंट होगा। सो देखिए थ्योरम, लेट एक्स टी वी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड ए डी वी ए सब स्पेस ऑफ एक्स टी, देन ए इज कम्प्लीट इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। यानी कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का एक सब स्पेस है ए, तो ए भी कंप्लीट कब होगा, कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। तो करते हैं इसको, दो पार्ट्स हैं इसके। सो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे ए इज कम्प्लीट। सो फर्स्ट वी अज्यूम दैट ए इज कम्प्लीट। नाउ कम्प्लीट है इसका मतलब एवरी कॉची सिक्वेंस इन ए इज कन्वर्जेंट इन ए, सिंपल सा कम्प्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। अब देखिए, अब हमें प्रूफ करना है कि ए आपका क्लोज भी है, और क्लोज के लिए हम सिंपल सी डेफिनेशन, आपको वो याद होगी या भूल गए पता नहीं, देखिए क्लोज की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज सेट की कि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। इसका मतलब आप इसका कोई भी एक जनरल लिमिट पॉइंट अज्यूम कर लो और उसको हम इसमें एग्जिस्ट करवा देंगे। सो देखिए, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, हमने ए का लिमिट पॉइंट मान लिया। मैंने हिंट भी लिख रखी है, वी विल शो दैट दिस लिमिट पॉइंट बिलोंगिंग टू ए, देन ए विल बिकम क्लोज सेट। ओके, अब इसको हमें ए में लाना है कैसे भी करके। सो देखिए, सिंस एक्स नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिख दो। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी कि उस लिमिट पॉइंट को सेंटर मान के जो भी आप ओपन स्पेयर बनाओगे उसमें उसके बहुत सारे पॉइंट आने चाहिए एप्सिलॉन रेडियस के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, फॉर ऑल दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स एन बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट कोमा वन अपॉन एन। यहाँ पे आप वन अपॉन एन की जगह एप्सिलॉन भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं है। सो आगे चल के ये दोनों कंडीशंस को चेक करो, दिस इंप्लाइज, अब देखिए एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट कोमा एक्स वन अपॉन एन, यानी आपका जो एक्स एन है वो इस स्पेयर में है, और स्पेयर में इसका मतलब इसका इस स्पेयर के सेंटर के साथ जो डिस्टेंस होगी वो वन अपॉन एन से लेस देन होगी। सो दिस इंप्लाइज डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन वन अपॉन एन, वन अपॉन एन की जगह आप एप्सिलॉन लिख सकते हो आर्बिटरी अपनी इच्छा से। सो डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये आ गया। और डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन ये किसकी कंडीशन है, कन्वर्जेंट सिक्वेंस की। सो द सिक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट, यानी कि फिर से देखिए हमें ए को क्लोज सेट लाना है। ओके, क्लोज सेट लाने के लिए एक्स नॉट हमने लिमिट पॉइंट माना, तो हमें इस एक्स नॉट को ए के अंदर एग्जिस्ट करवाना है, और अभी तक एक्स नॉट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं हुआ है। उसके लिए हमने क्या हेल्प ली कि सबसे पहले हमने सीक्वेंस एक्स एन को कन्वर्ज करवा दिया है यहाँ पे कैसे भी करके टू एक्स नॉट। सो सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट हमने फ़िलहाल कहाँ लिया था, स्टार्टिंग में कैपिटल एक्स में। इसका मतलब जो एक्स एन है वो कौन से सेट में कन्वर्ज हुआ, कैपिटल एक्स में। सो दिस इंप्लाइज एक्स एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स, बट कैपिटल एक्स आपको क्या दुआ होता, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या आएगा। सो दिस इंप्लाइज यदि आपका, देखो वापस यहाँ पे चलते हैं स्टार्टिंग में, कैपिटल एक्स आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस था, और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में कोई भी सीक्वेंस होता है वो जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट भी होता है। अब देखिए नीचे आते हैं, हमारा रिजल्ट आया है सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्स में कन्वर्जेंट है, और हम ये तो जानते हैं कि कन्वर्जेंट तो ऑलवेज कॉशी होता है कोई सा भी मैट्रिक स्पेस हो। तो सबसे पहले ये एक्स में कॉशी हो गया, अब एक्स में कॉशी सीक्वेंस हो गया। ओके, और एक्स कंप्लीट है तो एक्स में कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगा। अब देखिए, दिस इंप्लाइज एक्स एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए, दिस इंप्लाइज एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस इन ए, और साइड में मैंने रीजन लिख रखा है बिकॉज ए इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, बिकॉज ये लिमिट पॉइंट हमने क्या माना था, एक्स नॉट एक्स में, और जो सीक्वेंस माना वो एक्स एन वो कैपिटल ए में है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो सीक्वेंस है वो कैपिटल ए के अंदर कन्वर्जेंट और कॉशी दोनों तरह से आ जाएगा। इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सो
सो इस तरह से ये क्लोज सेट आपका हो गया है। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो ए इज ए क्लोज सेट। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट इसका। अब हम शो करेंगे इसको क्लोज सेट मान के चलेंगे और इसको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस प्रूफ करेंगे। तो क्लोज सेट मान लो, सो लेट ए इज ए क्लोज सेट एंड ए डी इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स डी। ठीक है, तो कैपिटल ए आपको क्लोज सेट मानना है और सब स्पेस तो ये दे ही रखा है कैपिटल एक्स का। अब हमें इसको कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना है, और कंप्लीट के लिए क्या प्रूफ करना है कि इसमें कोई भी कॉशी सिक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो एक कॉशी सिक्वेंस अज्यूम कर लो, सो लेट वाई एन बी ए कॉशी सिक्वेंस इन ए। ठीक है, अब ये कैपिटल ए के अंदर कॉशी है, इसका मतलब ये कैपिटल एक्स के अंदर भी कॉशी होगा बिकॉज एक्स बड़ा है सेट है। सो दिस इम्प्लाइज वाई एन इज ए कॉशी सिक्वेंस इन एक्स ऑल्सो, बट एक्स इज कम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। ये तो आपको थ्योरम में स्टार्टिंग में ही दे रखा है, और कम्प्लीट में एवरी कॉशी सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सो दिस इम्प्लाइज वाई एन विल बी कन्वर्जेंट इन एक्स, सो दिस इम्प्लाइज वाई एन विल बी कन्वर्ज टू ए पॉइंट वाई नॉट इन एक्स। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स में ये एक पॉइंट वाई नॉट को अज्यूम करेगा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है आपका वो कन्वर्जेंट होना चाहिए ए के अंदर। अभी तक ये ए के अंदर नहीं आया है, और ए के अंदर कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये आपका जो बाई नॉट पॉइंट है वो ए में बिलोंग करे, तो आपका ए के अंदर ये कन्वर्जेंट होगा। इसके लिए दो कंडीशन है, देखिए केस फर्स्ट, इफ़ वाई एन यानी जो आपका सीक्वेंस है वाई एन हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, जो सीक्वेंस है सेट वाई एन उसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं है। देन वाई एन को आप किस तरह से लिख सकते हो, वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई एन कॉमा वाई नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा वाई नॉट। देखो हम वाई नॉट को बार बार इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वाई नॉट इसकी लिमिट है, और लिमिट जो होती है वो इन्फिनिटी टेंड करने पे आती है। इसका मतलब, और इसमें इन्फिनाइट पॉइंट भी नहीं है, फाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसका मतलब जो बाद वाले सारे पॉइंट हैं वो वाई नॉट ही होंगे, तभी वाई नॉट लिमिट बनेगी। अब देखिए ये सिक्वेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई एन कॉमा वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट, ये एक सिक्वेंस है। अब इससे क्या प्रूफ हुआ, एंड सिंस वाई एन इज ए सिक्वेंस इन ए, वाई एन को आपने इस फॉर्मेट में भी लिख दिया, और वाई एन किसका सिक्वेंस था, ए का। इसका मतलब वाई एन के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो भी ए के ही पॉइंट होंगे, और वाई एन में एक जो पॉइंट है वाई नॉट वो भी ए का ही पॉइंट होगा, और यही हमें लाना था कि वाई नॉट बिलोंग्स टू ए। और वाई नॉट बिलोंग्स टू ए आते ही जो सिक्वेंस है वो किस में कन्वर्जेंट हो गया, कैपिटल ए सेट में। ठीक है, सो वाई एन विल कन्वर्ज टू ए पॉइंट वाई नॉट बिलोंग्स टू ए, वाई एन इज कन्वर्जेंट इन ए, दिस इम्प्लाइज ए इज कम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, बिकॉज हमें इसको कॉशी सिक्वेंस मान के चले थे, कॉशी सिक्वेंस कन्वर्जेंट आ गया, इसका मतलब ये कम्प्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया। ये तो केस वन था। इसके अलावा यदि इफ़ केस टू, इफ़ वाई एन हैज इन्फेनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब यदि इसके पास बहुत सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं इन्फेनाइट, देन इफ़ वाई नॉट इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ वाई एन। अब देखिए वाई नॉट को आप लिमिट पॉइंट मान के चले हो, और लिमिट पॉइंट है इसका मतलब देन वाई नॉट विल ऑल्सो बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सी बात है, और ये हमने मैंने लिख रखा है यहाँ पे वाई थ्योरम, ये एक थ्योरम होती है, बुक में चेक कर लेना, इसको चैप्टर थ्री में ही है कि यदि आपका कोई सिक्वेंस उसकी जो लिमिट है वही उसकी जो सेट होता है यानी उसका जो स्पेस होता है उसकी भी वो लिमिट होती है। सो वाई नॉट यदि आपका सिक्वेंस की लिमिट है तो वाई नॉट विल ऑल्सो बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इस सेट ए की भी लिमिट होगी। और ए को आप पहले से ही क्लोज लेके चले हो, और हम जानते हैं कि क्लोज सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी में होते हैं, सो दिस इम्प्लाइज ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, सो दिस इम्प्लाइज वाई नॉट बिलोंग्स टू ए, हैंस ए इज़ कम्प्लीट। सो इस तरह से थ्योरम है, काफ़ी अच्छी थ्योरम है, इसको आप अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।